আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ, সত্যের সন্ধানে এগিয়ে থাকি। নমস্কার, আপনারা দেখছেন বাংলা এমজি নিউজ, আপনাদের সঙ্গে আমি সুষমা। আজকে বিশেষ বিশেষ খবর হলো, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুরিয়া থানার উদ্যোগে এলাকার হিন্দিভাষী মানুষদের সবথেকে বড় উৎসব হলো ছট পূজা। এই ছট পূজা উপলক্ষে পূজার ডালা, কুল, শাড়ি, ফলসহ পূজার বিভিন্ন সামগ্রী বিলি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্র প্রসাদ সিং সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ। বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি বললেন, ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে এমন নজির নেই যেখানে সকল ধর্ম ও সকল ভাষার মানুষজন তাদের নিজেদের উৎসব পালন করে আর অপর ধর্মের মানুষ তাদের উৎসব পালনে সহায়তা করে। এর নজির শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে পাবেন। তিনি আরও বললেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছট পূজার সামগ্রী বিলি করা মানে প্রশাসন তথা রাজ্য সরকার ও রাজ্যের প্রতিটি মানুষ আপনাদের সাথে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে মিলিত হতে চাই। এখানে ধনী বা গরিব বলে কিছু নেই, মানুষ যতই গরিব হোক না কেন ছট পূজা কোনো কোনোভাবে তারা করে থাকেন, এটাই ছটের মাহাত্ম্য। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার দেবেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, আমি সকাল থেকে যেসব এলাকায় ছট পূজার ঘাট রয়েছে এবং যেসব এলাকা দিয়ে আপনারা যাবেন সেসব এলাকা পরিদর্শন করে এসেছি। আপনাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে, পুলিশ আপনাদের পাশে আছে, এই বার্তা দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। জামুরিয়া সুপার স্পেশালিটিজ কে যে লোক হ্যায় ও ভি কহিন না কহিন আপনি জিম্মেদারি সমঝতে হ্যায় কি ইয়াহা কে জো লোক হ্যায় জো হামারি মাতায়ে হ্যায় ও ঠিক তরিকে সে ছট কে ব্রত কা পালন কর সকে। জো ভাই মেয়র সাহেব নে বাত বহুত ইম্পর্টেন্ট কহি কি ইয়ে জো হাম লোক জো ভি সামান আপকো দেতে হ্যায় ইয়াহা পে চাহে গরীব হো ইয়া আমির হো উসকা ইস সামান সে কুছ লেনা দেনা নাহি হ্যায়, ये सिर्फ आपके प्रति हमारा भाव है कि हम भी आपके इस व्रत में आपके इस आयोजन में हम भी जुड़े हुए हैं। आपके साथ आप अकेले नहीं है, पूरा का पूरा प्रशासन है, पूरा का पूरा जो राजनीतिक लोग हैं सारे के सारे लोग चाहे छठ मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। आज जो अलग अलग अनुष्ठान में हम लोग गए, एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हमको लगी कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे वो बंगाली कम्युनिटी के लोग हों, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हों या हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोगों को मैंने देखा, हर आदमी इस जो हम लोग का जो छठ पूजा आने वाली है उससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। और इसलिए शायद हमें बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि जो छठ की पूजा जो हर साल बहुत शांति से होती है, इस साल भी बहुत अच्छे से मनाई जाएगी। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन के हेड के रूप में आपको मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि हम अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जो लोग घाट या जहाँ जहाँ भी जाएंगे, हम पूरी बंदोबस्त करके रखें जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक बार पुनः हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से और सबकी तरफ से आप सभी लोग को प्रणाम नमस्कार। आप लोग अच्छे से छठ का पालन करिए और सभी को आशीर्वाद दीजिएगा कि चीजें कहीं ना कहीं ये जो लोग ये प्रदान कर रहे हैं वो लोग भी अपने हिस्सेदारी चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो लोग भी भगवान सूर्य देव की प्रार्थना में अपनी भूमिका निभा पाए, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग ये कल से जो महा था इस कॉलेज है ना लौकी बता भाई कॉलेज, तो कल से जो शुरू होगा उसके बाद खरना, उसके बाद पहला अरग, उसके बाद दूसरा अरग और फिर प्रसाद वितरण, ये तीन चार दिनों तक ये जो माहौल रहेगा विशुद्ध जो माहौल रहता है ये कहीं ना कहीं सारे लोगों को एक शक्ति प्रदान करता है कि आने वाले दिनों में सारे दुख दर्द को भुलाकर सारे जो कड़ी से कड़ी समस्याएं हैं उनका भी कैसे डट कर मुकाबला किया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप लोग महसूस किए होंगे ये बंगाल है, बंगाल के लोग, बंगाली लोग जब तक भात के साथ उनको मछली नहीं मिले उनको लगता है कि खाना ही नहीं खाया। लेकिन मैंने देखा है कि जहां छठ पूजा होती है, यदि आपके घर में छठ पूजा हो रहा है, आपके बगल में बंगाली फैमिली के लोग हैं, तो वो लोग भी दो दिन तक बोलते हैं कि नमाज खाओ ना, क्योंकि तुम्हारे घर में छठ पूजा हो रहा है। उनको तो कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे तो अपने घर में मछली खा सकते हैं, लेकिन आपके आपकी शुद्धता, आपके मन में कहीं ऐसा ना लगे कि आपके
जो शुद्धता है पूजा की उस वो नष्ट हो गई, इसके लिए वो खुद सेक्रीफाइस करते हैं। और ये बंगाल में ही संभव है और कहीं ये संभव नहीं है, किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में ये संभव नहीं है। मूलतः छठ कौन लोग करते हैं? बिहार यूपी से जो लोग यहाँ पर आए वो लोग ही छठ करते हैं, बाद में ये इसका व्यापकता इसकी फैल गई। और बिहार यूपी से जो लोग आए थे यहाँ पर, अभी नौकरी के लिए जो लोग आते हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन आज से 40-50 साल पहले बिहार यूपी से जो लोग आए थे, बिहार या यूपी में जो लोग जमींदार थे वो लोग यहाँ नहीं आए थे। हमारे पूर्वज जिनके पास बिहार यूपी में ही अच्छा खासा पैसा था वो तो बंगाल में नहीं आए, अभी आ रहे हैं। अपनी योग्यता के बल पर जो लोग आ रहे हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन उस समय जो लोग आए थे मूलतः रोजी रोटी के लिए ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि वहां पर खाने की कमी थी। इस कोलियरी इलाके में देख लीजिए, पहली कोलियरी में कोई नौकरी। कौशिक चक्रवर्ती, रिपोर्ट बांग्ला एमजी न्यूज़।